बड़ा खुलासा आपने क्या है, कैसे इन बच्चों को ले जाके बेचने की ट्रैक कर रहे हैं? अभी इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल तलाश रहे हैं। प्रथम दृष्टया मामला 363 आईपीसी 364A का मामला है, जिसमें बच्चे का अपहरण करने के बाद फिरौती की मांग की गई है। तो पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर तत्काल टीम का गठन किया गया। टीम ने जो है लगातार त्वरित एक्शन लेते हुए इसको इंदौर से 5 घंटे के अंदर आरोपी और बच्चे को रिकवर किया है। फिलहाल हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसमें और क्या क्या कहाँ कहाँ तार जुड़े हैं, इसका अपराध की रिपोर्ट क्या है, इन सब चीजों विवेचना जारी है। बच्चे ने बताया सर कि क्या? बच्चे ने अभी ऐसा उसके साथ मारपीट वारपीट जैसा कोई प्रकरण नहीं है, पर जिसके साथ सामने ले गया है बच्चे की दादी और उसके चाचा, उनका कहना यह है कि जब ले गया तो इसने पैसे की डिमांड की थी, हमने पैसे देने से अक्षमता जाहिर की तो ये जबरदस्ती घर से इसका अपहरण करके ले गया है। कितना मांग रहा है? 2 लाख की डिमांड कर रहा है। क्या इसको बेचने की फिराक में? तो सर इसमें और एंगल तलाशे जा रहे हैं कि चूंकि अपराधी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है, चिमनगंज थाने में मक्सी में आपराधिक रिकॉर्ड निकलवाया गया है, इसमें हम लोग और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसका इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ कहाँ रहता है, क्या क्या इसका नेटवर्क। Children.